आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सूदखोरों के विरुद्ध करे शिकायत शंकर सिंह चौहान थाना प्रभारी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिले के सभी थानों में सूदखोरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इसी तारतम्य में नगर निरीक्षक शंकर सिंह चौहान ने अवैध साहूकारों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही के लिए क्षेत्र के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अवैध साहूकारों के कारोबार को विधिवत रोकना एवं आम आदमी को सूदखोरों के कारण जो आर्थिक क्षति होती है उससे बचाना है। इस संबंध में श्री चौहान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि क्षेत्र में जो अवैध रूप से साहूकारी सूदखोर जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं उनकी जानकारी पुलिस थाने को देवे। लोगों से यह भी अपील की कि वे केवल अधिकृत बैंक एवं पंजीकृत संस्थाओं से ही ऋण ले। कर्जा लेने के पूर्व लिखित एग्रीमेंट जरूर करें। एग्रीमेंट में कर्ज की शर्तों का उल्लेख जरूर करें। पैसा चुकता करने में देरी पर कोई पेनाल्टी लगती है तो उसका भी उल्लेख अवश्य करें। इन सभी बातों का जनता जरूर ध्यान रखे। सूदखोरों के खिलाफ जिले के सभी थानों में जाकर शिकायत कर सकते हैं। जानकारों की माने तो प्रदेश में साहूकार अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया है। साहूकारी के लिए लाइसेंस लेने अनिवार्य होगा। यदि कोई गैर लाइसेंसी साहूकार ऋण देता है तो ऐसे सभी ऋण प्रदेश साहूकार अधिनियम 1934 में प्रस्तावित नए प्रावधानों के अनुसार शून्यवत समझे जाएंगे।